नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में। आज आरबीआई की मौद्रिक नीति का ऐलान किया गया। लगातार चौथी बार आरबीआई ने ब्याज दरों में बढ़त का फैसला लिया। जून 2019 में ब्याज दरों में कमी की सिलसिले की शुरुआत हुई थी। उस वक्त रेपो दर 5.75% थी और हेडलाइन इन्फ्लेशन था 3%। तरलता में कमी थी। आज महंगाई दर है 7% और तरलता यानी लिक्विडिटी सरप्लस में है, और इसीलिए आरबीआई ने लगातार 4 बार 190 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और महंगाई के अनुपात में ब्याज दर अब भी साल 2019 के मुकाबले कम है। क्या कुछ है इसके मायने, हमारे साथ हैं अनिल पद्मनाभन जी जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मुंबई में 3 दिनों तक चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद शुक्रवार को रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया गया। आरबीआई गवर्नर ने मुख्य ब्याज दर रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रेपो रेट 5.4% से बढ़कर के 5.9% हो गई है। केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया कि वर्तमान फैसला तुरंत लागू हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई का खतरा भी बना हुआ है, लेकिन वैश्विक आर्थिक स्थिति की आशंका के बादलों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था आशा और विश्वास जगाती है। आरबीआई ने खुदरा महंगाई को काबू में लाने के लिए एक बार फिर से मुख्य ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये चौथी बार है जब नीतिगत दर में वृद्धि की गई है। इससे पहले मई में 0.4% वृद्धि के बाद जून और अगस्त में 0.5% की बढ़ोतरी की गई थी। कुल मिलाकर मई से अब तक आरबीआई रेपो रेट में 1.9% की वृद्धि कर चुका है। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब आरबीआई से महंगा कर्ज लेना पड़ेगा। एमपीसी डिसाइडेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 5 मेंबर्स आउट ऑफ 6 एंड यू गेस्ट इट राइट टू इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू 5.9% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.65%, and the marginal standing facility, that is MSF, and bank rate to 6.15%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती रही है। आरबीआई के मुताबिक दुनिया कोविड और रूस यूक्रेन संकट के बाद अब तीसरी आर्थिक चुनौती से जूझ रही है, जिसमें केंद्रीय बैंक तेजी से ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाएं ऊंची महंगाई दर, ब्याज दरों में तेजी, कर्ज में बढ़त और मुद्रा में कमजोरी से जूझ रही हैं। इसी वजहों से आरबीआई ने साल के लिए जीडीपी विकास दर के अनुमान में कमी की है और विकास दर का अनुमान 7.2% से कम करके 7% कर दिया गया। अगले साल अप्रैल जून तिमाही में विकास दर का अनुमान 7.2% होने का अनुमान जताया गया है। रिटेल महंगाई दर में विकास का अनुमान 6.7% पर बरकरार है और आरबीआई ने उम्मीद जताई है कि अगले साल अप्रैल जून तिमाही में ये 5% के स्तर तक आ सकती है। The heightened inflationary pressures have impacted both advanced economies as well as the emerging market economies. India is, however, better placed than many of these economies. If high inflation is allowed to linger, it invariably triggers second-order effects and unsettles expectations. Therefore, monetary policy has to carry forward its calibrated action on policy rates and liquidity conditions consistent with the evolving inflation growth dynamics. It must remain alert and nimble. वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था में संकेत काफी उत्साहजनक हैं। 2.5 सालों के महामारी के बाद त्योहारी माहौल में शहरों में मांग बढ़ने की उम्मीद है और गांवों में भी स्थिति सुधर रही है। कैपिटल गुड्स जैसे कि कारों और बिल्डिंग के निर्माण में तेजी दिखाती है कि निवेश की मांग भी बढ़ रही है। 9 सितंबर तक बैंक क्रेडिट 16.2% बढ़ा और कॉमर्शियल सेक्टर में 9 लाख से ज्यादा करोड़ का लोन बांटा गया। सामान्य मानसून और जल उपलब्धता की बेहतर स्थिति रबी फसल के लिए अच्छी खबर है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 6 सालों के उच्चतम स्तर पर है और सर्विसेज पीएमआई अगस्त में 57.2 पर है। आरबीआई के सर्वे में बिजनेस कॉन्फिडेंस 51 महीने के उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया। उधर कच्चे तेल के दाम भारत के लिए $104 पर रहे और अगले 6 महीने में ये $100 पर वापस आ सकते हैं।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के साथ आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुछ शर्तों के साथ इंटरनेट बैंकिंग सेवा की अनुमति दे दी है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने ऐलान किया कि ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की ही तरह ऑफलाइन एग्रीगेटर भी आरबीआई के रेगुलेशन के दायरे में आएंगे, यानी आपके कार्ड से पेमेंट स्वीकार करने वाले अब आपका डिटेल्स नहीं रख पाएंगे और ग्राहकों की शिकायतों के लिए उन्हें भी अपनी व्यवस्था बनानी होगी। मुंबई में श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पद्मनाभन नाभन जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, मिंट के एडिटर रह चुके हैं। अनिल जी बहुत धन्यवाद, मेरी आवाज़ आप तक मिल रही है। तो आज प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को अगर जी। थैंक यू। तो आज तो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम एक तूफान का सामना कर रहे हैं, तीसरा तूफान, और ऐसा तूफान जिसमें सभी लोग ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आज का ब्याज दर बढ़ना इकोनॉमी के लिए क्या संकेत देता है सर? चलिए, वो जो आपने अभी बताया, जो एक तीसरा संकट है, तो पहला संकट तो सब जानते हैं कोविड है, दूसरा यूक्रेन का जंग, तीसरा संकट जो है ये अमेरिका यूरोप वगैरह में इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण उन्होंने इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ाया है। इससे पूरा ग्लोबल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है संतुलन खो बैठा है। तो इसीलिए ऊपर उतार चढ़ाव हर मार्केट में है, इक्विटी में है, बॉन्ड में है, डेट में है, तो भारत भी इससे फ्री नहीं है। तो आज जो गवर्नर ने जो भूमिका में कहा तीसरा स्टॉर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब संकट अभी भी भारत में मंडरा रहा है हमारी आर्थिक स्थिति पर ये कहना एक बात है। दूसरी बात है, इस संकट में अगर हम दूसरे देशों की तुलना में देखें हिंदुस्तान भारत की स्थिति, तो हमें साफ नजर आएगा कि एक इकोनॉमी स्टेबल है, दूसरा थोड़े थोड़े रिकवरी साइंस विजिबल है। वो गवर्नर ने अपने स्पीच में और आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला है कि निवेश हल्का सा बढ़ रहा है, क्रेडिट उठ रहा है, और अब संकट सिर्फ इन्फ्लेशन का है। तो गवर्नर ने जो आज प्रायोरिटी दिखाया है, अभी तक जो था ग्रोथ एक प्रायोरिटी था, बट पिछले दो जो तीन छह महीने से वो शिफ्ट हो गया, पिवट हो गया इन्फ्लेशन की तरफ। एंड इसका कारण ये है, अगर इन्फ्लेशन पे काबू नहीं आया तो सारा जो इकोनॉमिक संतुलन है हिंदुस्तान खो बैठेगा और उससे जो ग्रोथ है सब पे इम्पैक्ट होगा। तो अब प्रायोरिटी जो है इन्फ्लेशन है, और इसके कहने के बाद हम यही कह सकते हैं कि अब जो पीक कर गया है जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, अब मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि अगली बार नहीं होगा, बट जो अब चढ़ाव उतना नहीं होगा, अब ये पीक लेवल की ओर बड़ी जल्दी से बढ़ रहा है। ये तो अब इन्फ्लेशन लेवल पर ही होगा डिपेंड, बट इस पे हम एक भविष्यवाणी नहीं दे सकते, बट अंदाजन से पीक हो रहा है। और देशों के मतलब अगर आप अमेरिका देखें, इंग्लैंड देखें, तो इनका अभी पीक पहुंचा ही नहीं है। तो हिंदुस्तान का पीक हल्के हल्के पहुंच रहा है। तो आगे जो फाइनल जो पॉइंट है, गवर्नर ने जो कहा है, संकट है बट आर्थिक स्थिति मजबूत है। इस वक्त आर्थिक स्थिति मजबूत है संकट के बीच भी, क्योंकि वैश्विक स्थिति है। अनिल जी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं, ब्रेक के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है करेंसी का, करेंसी डिवेल्यूशन का ये जो संकट है वो, उससे हम कैसे बचेंगे और क्या वाकई अब महंगाई दर को हम काबू में ला पाएंगे केवल मौद्रिक नीति की वजह से या फिर कुछ और हमें साथ में करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं चर्चा में। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे, पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, आयुष इज स्केलिंग न्यूअर हाई। करंट सिचुएशन प्रेजेंट्स अ राइट टाइम ऑफ फॉर आयुर्वेदा and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety.
8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटी कृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव, और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। स्वागत है आप सभी का। हम आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं मौद्रिक नीति समीक्षा की, बड़ी खबर आज की, और हमारे साथ अनिल पद्मनाभन जी बने हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। अनिल जी, करेंसी का क्या होगा? करेंसी हालांकि डिवैल्यू नहीं की है उतनी ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें दुनिया के मुकाबले, लेकिन 7-8% की भी जो गिरावट है उसमें फॉरेक्स तो हमारा जा रहा है, क्या आगे की राह है? एक्चुअली ये बड़ा अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, बिकॉज आज जो गवर्नर ने जो स्पीच दिया है उन्होंने उसमें साफ कर दिया है कि हमारा जो अनुमान था कि पिछले 6 महीने में और खासकर 3-4 महीने में RBI ने 100 बिलियन रिजर्व्स बेचा है रुपी को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने किया जो बताया आज कि जो डेप्रिसिएशन जो मतलब जो करेंसी जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो उसके कारण हमारे जो हम रिजर्व्स हिंदुस्तान पकड़ता है, जैसे US बॉन्ड्स हो या यूरोपियन बॉन्ड्स हो, इन सब का वैल्यू भी डिप्रिशिएट कर गया है। तो ये 67% मतलब 70% जो है डेप्रिसिएशन क्योंकि करेंसी डिवैल्यू कर गया। अब मतलब यूरोपियन करेंसी डिवैल्यू कर गया US करेंसी के साथ, तो RBI ने उसका मतलब सिर्फ 30 या 35 बिलियन डॉलर बेचा है अभी तक रुपए को बचाने के लिए। तो आपने सही बोला, अगर एक तो ये बात है जो इनके पास अभी इन्होंने इतना बेचा ही नहीं है जो कि बेच नहीं सकते रुपये को प्रोटेक्ट करने। दूसरी बात है अगर आप दूसरे देशों से देखें, खास करके येन को देखिए, येन जो था 100 येन से अब 140 येन हो गया है, तो ये तो भयंकर डेप्रिसिएशन हुआ है। तो उसमें जो ऐसे आपने कहा 8-10% हुआ है, इसका कारण ये है कि US में इंटरेस्ट रेट इतनी तेजी से बढ़ाया है जी, तो उसके कारण डॉलर जो है सेफ्टी फ्लाइट जो कैपिटल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी के कारण है। तो जो रुपी का डेप्रिसिएशन है वो आगे चलते हुए होगा, मीनिंग अंदाजा तो यही है, क्योंकि अगर US में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं कम करे तो वो प्रेशर तो होगा ग्लोबल करेंसीज पर, बस किस हद तक होगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये एक जब डिवैल्यू होता है आप ये भी सोचिए कि एक एक्सपोर्ट्स पे इंपैक्ट होता है, वैसे हमारे एक्सपोर्ट्स की कीमत गिरती है तो इम्पोर्ट्स का वैल्यू भी बढ़ता है, तो हमारा लेकिन दोनों तरह से गेन है और लॉस है। अगर आप ऑयल इम्पोर्ट करते हो तो आपका डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अनिल सर, लेकिन आज की तीसरी बड़ी खबर विकास दर के मोर्चे पर रही, 7.2 का जो एस्टीमेट था उन्होंने कम कर दिया, 7% कर दिया। महंगाई आप कह रहे हैं शायद काबू में आ जाएंगी, फिस्कल डेफिसिट के फिगर्स आज जो आए हैं अगस्त तक मेरे ख्याल से 32% पे चले गए हैं। जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं उनको मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कैसे कदम ताल करना पड़ेगा, कम से कम महंगाई को रोकने के लिए और ग्रोथ के मोमेंटम को बनाए रखने के लिए? बिल्कुल, दोनों को साथ साथ बढ़ना पड़ेगा, खास करके इस संकट के मौके पे। तो आपको मतलब मालूम होगा कि अभी कल ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि वो अपना जो बोरोइंग है सेकेंड हाफ में कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो फिस्कल डेफिसिट जो इन्होंने अभी तक एस्टिमेट दिया है उसी में रहने का उन्होंने एक मतलब कमिटमेंट उठा लिया है। तो जगह अब लिक्विडिटी कम हो रहा है मार्केट में,
और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बोरोइंग कम करेगा तो उतना कम लिक्विडिटी, उतना लिक्विडिटी बचा रहेगा मार्केट में जो निवेश के काम आ सकता है। तो अभी तक तो जो हम देख रहे हैं दोनों फिस्कल नीतियां और जो क्रेडिट पॉलिसी है साथ साथ में ही चल रहे हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं टैंडम में है। ये सबसे बड़ी बात आपने कही, कदम ताल दिख रहा है मौद्रिक नीति में और वित्तीय नीति में। बहुत धन्यवाद अनिल जी वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। तो सबसे बड़ी बात यही कि आज जो विकास दर के अनुमान में कमी की गई है, साथ ही साथ महंगाई दर को काबू में रखने के लिए 190 बेसिस पॉइंट चार बारों में, चार किश्तों में ये जो बढ़त हुई है उसका असर सिर्फ और सिर्फ अब महंगाई को रोकने पर है। और ये देखना होगा कि कच्चे तेल के दाम कहाँ जाते हैं और जो मानसून की स्थिति है आने वाले दिनों में किस करवट बैठती है। फिलहाल इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।